हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार, निखिल क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका फर्स्ट पेपर हिंदी जो कि कल आप लोग देकर आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया। और कल यानी 20 तारीख को आपका है फिजिक्स का क्लास 12। तो आप लोग का डिमांड है डेरिवेशन, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि डेरिवेशन बहुत सारा है और मैं एक दिन में सारा डेरिवेशन नहीं करा पाऊँगा, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर बताऊंगा, कैसे आपको लिखने हैं, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आइए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, भौतिक विज्ञान केवल आपको क्या प्रश्न पत्र दिया है। और देखिए, जो प्रश्न पत्र हैं वो आपको कितने मार्क्स के हैं, 70, यानी 30 नंबर आपको क्या मिलेंगे, प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 70 नंबर का है। तो ये भी आपका क्या खंड वाइज है, देखिए अ ब स द ऐसे करके हैं, यानी आपको कुछ क्वेश्चन एक एक मार्क्स के रहेंगे, कुछ बहुविकल्पी हैं, कुछ एक एक नंबर के, अति लघु उत्तरी है, फिर लघु उत्तरी है, फिर दीर्घ लघु उत्तरी है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खंड अ, अब यहाँ पे जैसे जो खंड अ है वो आपको क्या है, बहुविकल्पी है, फिर उसके बाद ब है एक एक नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 5 नंबर का रहेगा। तो जब भी आप पेपर लिखने जाएंगे तो आपको अपने दिमाग में ये चीज़ याद रखना है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको वही करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ये देखता है कि आप पहला क्वेश्चन कैसे लिखे हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं है, दूसरा भी उसी तरीके से अच्छे से लिखे हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका जो राइट कॉपी है बहुत अच्छा है, तो वो फुल टू फुल मार्क्स दे देता है। और आगे वाले क्वेश्चन पर भी बाई मिस्टेक कहीं गलती होता है तो उस पर भी वो पूरा नंबर दे देता है। लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चन में ही काट पीट कर रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर के मन में ये बैठ जाता है कि आप इतना पहले क्वेश्चन पे गलत लिखे हैं तो आने वाले हर क्वेश्चन पे आप गलती किए होंगे। अगर आप सही भी लिखे रहेंगे तो भी वो नंबर काट लेता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना नंबर नहीं कटवाना है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप क्या बहुविकल्पी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप बहुविकल्पी में क्या 5 नंबर केवल आपको टिक लगाना है, यानी आंसर आपको देना है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले हम लोग क्या, अगर आपको मान लेते हैं क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र, तब आप उसको कैसे कॉपी में लिखेंगे। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपका क्या बहुविकल्पीय आपका क्या खंड अ है, तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, सॉरी कॉपी में लिखेंगे, पहले लिखेंगे बीच में क्या खंड अ, फिर इसके नीचे 2 अंडरलाइन करेंगे, फिर इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, जैसे आप क्वेश्चन नंबर क कर रहे हैं, ख कर रहे हैं, ग कर रहे हैं, या घ, जो भी आप करेंगे, तो ये भी किसी का है। तो ये देखिए आपका क्या खंड अ में प्रश्न क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर या प्रश्न ऐसे, सॉरी देखिए माफ़ी चाहेंगे, गलती हो गया, तो आप लिखेंगे कितना प्रश्न 1 अंडरलाइन करेंगे, ये ऐसे करेंगे। फिर इसमें आप कौन सा कर रहे हैं, जैसे पहले क करेंगे या ख करेंगे या ग, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे क, फिर नीचे लिखेंगे उत्तर, फिर ऐसे फिर लिखेंगे ख, फिर उसका आंसर, फिर ग उसका आंसर, फिर ऐसे ही जैसे आपका पूरा बहुविकल्पी सारा हो जाएगा। फिर अगर कॉपी के नीचे 2-3 लाइन बचा रहेगा, या मान लीजिए 4-5 लाइन, इतना लाइन आपका मान लीजिए क्या कॉपी के नीचे इतना लाइन बचा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे से स्टार्ट मत कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा नेक्स्ट पेज, यानी आप क्या करेंगे फिर यहाँ पे, फिर सॉरी ऐसे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जैसे खंड ख ख ऐसे लिख के फिर उसको स्टार्ट करेंगे। फिर बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र को करने के बाद फिर उसका आपका आएगा खंड ब, खंड ब में आपको क्या मिलेगा एक एक नंबर, देखिए एक नंबर के आपको क्या मिलेंगे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर लिखेंगे, फिर जैसे आप बहुविकल्पीय करने के बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप एक एक नंबर वाला यानी खंड ब से आप करना चाहेंगे तो फिर कैसे आप लिखेंगे, लिखेंगे बीच में क्या खंड ब, वो भी नए पेज पे, न कि जो आप
पिछला खंड क की है उसके नीचे जगह बचा है तो आपको उसके जगह नहीं करना है, आपको नए पे से करना है खंड ब। फिर इसमें भी लिखेंगे आपका, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, फिर इसमें क ख ग घ अंग च है, तो फिर लिखेंगे क्या, प्रश्न कौन सा आपका 2 है, फिर इसमें आपका अगर क कर रहे हैं तो क लिख के आंसर यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, केवल आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। फिर मान लेते हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आपका आंसर हुआ, फिर उसके नीचे क्या करेंगे, 1-2 लाइन अपने से छोड़ के फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ख, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर। आपको एक आंसर लिखने के बाद 2 लाइन जगह आपको छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। फिर ऐसे आप क क्वेश्चन नंबर क ख ग ये सब लिख के पूरा च तक लिखेंगे। और हाँ, बाई चांस अगर इसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, तो आप कीजिएगा, जैसे मान लीजिए क ख ग आपको हो गया, फिर च नहीं आ रहा है, तो च के लिए आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर च लिख के आंसर लिख के इतना जगह छोड़ दीजिए, आप उसको बाद में कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो आपसे नहीं होगा, तो जो क्वेश्चन आपको हम नहीं आएगा, जिसको आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप कॉपी में जगह मत छोड़िएगा। कॉपी में जगह छोड़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उसके लिए जगह मत छोड़िएगा, ठीक है। जैसे इसी में देख लीजिए, आपके 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 6 में से आपको क्या 5 क्वेश्चन आया, और मान लीजिए ग वाला नहीं आया, आपको लग रहा है कि ग नहीं हो पाएगा, तो आप ग के लिए यहाँ पे ये नहीं कि ऐसा मत कीजिएगा कि ग लिख के आंसर लिख के इसको इसके लिए जगह छोड़ दिए, ऐसा कभी मत कीजिएगा। हाँ, जब आपको आ जाएगा तो पेपर जैसे पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व हो, कॉपी के एकदम लास्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं क्या कि आपका ये क्वेश्चन नंबर ग छूट गया है, तो इसको हम लास्ट में बताएंगे कैसे आपको लिखना है। फिर दोस्तों जैसे आप एक एक नंबर कर लेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, खंड स, जो कि आपको क्या होगा, 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, खंड क्या स लिखेंगे, फिर प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर क लिख के आंसर लिखेंगे, ख लिख के आंसर लिखेंगे, फिर ग लिख के आंसर लिखेंगे, ऐसे इसको करते जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही 2-2 मार्क्स का भी करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ दिमाग में याद रखना है, बैठाना है अपने दिमाग में, कि आपको उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं जिसका आपको आंसर एकदम अच्छे तरीके से पता है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो हल्का फुल्का, सॉरी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत सही करेंगे, उसको आपको एकदम लास्ट में करना है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपकी आपको एकदम अच्छे से आता हो, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ता है, लास्ट में वो पढ़ता है नहीं पढ़ता वो उसके ऊपर है, लेकिन स्टार्टिंग में वो पढ़ता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन लिखने हैं जो कि क्या आपको एकदम अच्छे से आता हो। फिर दोस्तों 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करने के बाद फिर हम लोग आएंगे किस पे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए, जब क्वेश्चन मार्क्स 3 पे आएंगे, यानी जब 3-3 नंबर के लिए आएंगे, तो इसमें आपको 2 ठू मिलेंगे क्या, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये आपके क्या 3-3 नंबर के 2 पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, कॉपी में पहले खंड द लिखेंगे, फिर प्रश्न संख्या 5-4 लिखेंगे, फिर 4 में क ख ग घ अंग लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर उसी में लिखेंगे आप प्रश्न संख्या 5-5 में भी आपका क्या 3-3 नंबर के लिए है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर खंड ब 1-1 नंबर के लिए, खंड स 2-2 नंबर के लिए किए हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको करेंगे। फिर अब आएंगे अब किसके लिए, क्वेश्चन नंबर मतलब खंड क्या यह, यानी जो आपको 5-5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हम, क्या उस पर आएंगे। तो देखिए है क्या, इसमें आपको क्या मिलेगा, और करके मिलेगा, यानी 5 नंबर के लिए आपको 2-2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 रहेंगे। देखिए ऐसे जैसे इसमें लिखा है, एक तरह से ये देखिए जो आपके हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है दोस्तों। हम तो कहेंगे इस ये जो आपका है खंड या, इसको आप अपने से प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम उतना डेरिवेशन हम आप लोगों को करा के दे सकें। तो बस हम इतना ही कहेंगे कि जितने भी आपको क्या मिले, मॉडल प्रश्न पत्र मिले, उसके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं
आप उसको देख लीजिए और उसका डेरिवेशन अपने से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, जब 6 पे आएंगे तो लिखेंगे क्या, खंड या क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न संख्या 6। इसमें आपको क्या, एक देखिए स्थिर वैद्युतिकी के गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, या तो आप ये क्वेश्चन कीजिए या फिर गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दो है, या तो स्थिर वैद्युतिकी का ये गॉस का नियम लिखिए या फिर आपको ये लिखना है। फिर ऐसे ही जब क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे आप प्रश्न संख्या 7, इसमें भी आपका क्या है, देखिए धारावाहिक लंबी परिनालिका के स्व प्रेरक का सूत्र स्थापित कीजिए या फिर चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत लिखिए। इसमें भी देखिए दो है, लेकिन करना आपको क्या एक ही है। प्रश्न संख्या 6 में से आपको एक करना है, प्रश्न संख्या 7 में से भी आपको एक ही करना है। फिर 8 में आते हैं, एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज का चौड़ाई का सूत्र या फिर आँख का दूरदृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। फिर और इस मॉडल प्रश्न पत्र का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना या कार्यविधि या फिर ये, यानी जो आपका 5-5 नंबर के लिए रहेगा वो क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे, यानी कितने हो गए, 5 का 20 नंबर, यानी खंड यह जो आपका है उससे आपको कितने मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप मैक्सिमम डेरिवेशन खुद से आप तैयार कर लें, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि हम आपको क्या हर एक चैप्टर का डेरिवेशन करा के वीडियो को अपलोड कर सकें। अगर डेरिवेशन करा के वीडियो अपलोड भी करते हैं तो मेरा गारंटी आप पूरे वीडियो को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो डेरिवेशन है लगभग 100 के आसपास है। अगर एक डेरिवेशन 15 मिनट का भी बनता है तो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए डेरिवेशन के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हाँ एक बात कहेंगे कि अगर आप मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो मैक्सिमम हम कर रहे हैं आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। तो प्लीज़ जितने भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे आप उनको प्लीज़ एक दिन में जितना हो सके उतना कवर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और हाँ बेस्ट ऑफ लक, आप पेपर एकदम, जैसे आपका हिंदी का गया अच्छा वैसे ही आपको, मेरा गारंटी है, फिजिक्स का भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। मैं भगवान से विनती करूँगा कि जैसा आप लोग का हिंदी का पेपर गया बहुत अच्छा, उसी तरीके से फिजिक्स का भी आप लोग का पेपर अच्छा ही जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, और सॉरी डेरिवेशन न देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।